दोस्तों, अगर अभी तक आपका रेड सिग्नल है तो ग्रीन सिग्नल करने के लिए जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखना, और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना भी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ओपन कर लेना, इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल कर लेना, मैं बता भी दूँगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, अगर आपका आईसी अप्रूवल नहीं मिल पाता है, रेडी रहता, तो इस पे जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आप अपना चेक कर ले कि अभी आपका क्या प्रोसेस है, अपना डिटेल्स डालना है, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और चेक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये रेड शो कर रहा है। तो अगर रेड शो कर रहा है तो फर्स्ट वाला प्रोसेस पे जाना है आपको, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इसका लिंक मैंने दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर ओपन कर सकते हैं अराइवल रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है और कुछ बताया गया, आप अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि यूआई गवर्नमेंट ने कौन कौन सा वैक्सीन को अप्रूव्ड किया है, आप इसको अप्रूव्ड वैक्सीन देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाने से पहले कितने घंटे पहले आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना है, और क्यूआर कोड उस पर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे आपको होना चाहिए, मतलब कि आरटीपीसीआर टेस्ट पे, ओके। उसके बाद यहाँ से वन बाई वन इसको फिल कर देना। सबसे पहले आप यहाँ से अपने कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किस देश से बिलोंग करते हैं, तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया यहाँ पर चूज कर लूँगा, ओके। उसके बाद आपको यहाँ से अपना नाम दे देना है, नाम दे देंगे ऑटोमेटिक ही अरबी में आ जाएगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है अपने पासपोर्ट पर देख लेना, वही प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दे देना है। प्लेस ऑफ बर्थ देने के बाद एक आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी वही देना जो एक्टिव हो, उस पर एक कोड जाता है क्यूआर कोड, ठीक है, और रेफरेंस नंबर भी जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद अपना यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स भरना है। पासपोर्ट डिटेल्स पे सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डिनरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका पासपोर्ट हो, पासपोर्ट नंबर दे देना का, पासपोर्ट कब इशू हुआ है, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारे चीज़ यहाँ पे दे देना पासपोर्ट डिटेल्स में। उसके बाद अराइविंग इंफॉर्मेशन में जाना है आपको, आपको यहाँ पर बताना है कि कब आप यूएई आना चाहते हैं, अपने हिसाब से कोई भी डेट यहाँ पर चूज कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पर आप जाएँ। यहाँ से मैंने एक डेट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बताया अराइविंग पोर्ट, कौन से एयरपोर्ट पे आप जाएंगे। यहाँ पे यूएई का जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे यूएई के एयरपोर्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहाँ भी आपको जाना है, जैसे अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, तो मैं यहाँ पे अबू धाबी चूज कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर चूज करना किस देश से आप आ रहे हैं, जैसे मैं इंडिया से जा रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है एड्रेस इनसाइड यूएई, आप यूएई में कहाँ रहते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अबू धाबी कर दिया। उसके बाद अबू धाबी का जो भी एड्रेस, जहाँ भी आप रहते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो, यहाँ पे फिल कर देना ये क्लास। उसके बाद वैक्सीन इंफॉर्मेशन पे जाना है। वैक्सीन इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर वैक्सीन काउंट्री बताना है, किस देश में आपने वैक्सीन लिया था, तो जिस देश में आप हो, मैं इंडिया से लिया था वैक्सीन, तो इंडिया यहाँ से चूज कर लिया, ओके। इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बता रहे कौन वैक्सीन लिया थे आपने, तो अगर एस्ट्राजेनिका लिए हैं तो यहाँ पे एस्ट्राजेनिका की जगह पर कोविशील्ड आपको लिया होगा, तो कोविशील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। वैक्सीन फर्स्ट डोज कब लिया था ये भी सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, और वैक्सीन सेकेंड डोज ने आपने कब लिया था वो भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना यहाँ पर पूरा फाइल, यहाँ पर पासपोर्ट, इमेज बता रहा है, पर्सनल फोटो, पीसीआर टेस्ट वगैरह जितना भी होगा अपना पीडीएफ फाइल बना कर रखना, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर बस। उसके बाद ये सपोज मान लीजिए कि सारे फाइल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे आपका फाइल शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, सेंड कर देना। सेंड करने के बाद आपके ईमेल पे एक वेरी जाएगा क्यूआर कोड और रेफरेंस नंबर। उसके बाद कुछ दिन इंतजार करना, अगर ग्रीन नहीं होता है उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर जाना है, यानी सेकेंड नंबर पर आप यहाँ चेक कर लिया, अभी रेड है मान लीजिए 10 दिन के बाद चेक किया, उसके बाद कंप्लेन करना है। कंप्लेन में जाने के बाद इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ आने के बाद ऐसे ही ओपन होगा, यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। सबसे पहले अपना नाम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, अपना ईमेल आईडी दे देना, मोबाइल नंबर दे देना का, ये तमाम चीज़ दे दिए। उसका सेलेक्ट टाइप्स, मतलब कि आपका वीज़ा कौन सा है, विजिटर है या रेसिडेंस है, तो रेसिडेंस है तो रेसिडेंस पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद आप किस देश से बिलोंग करते हैं, तो अपने देश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, मैं इंडिया से हूँ, कंट्री भी मेरा इंडिया ही है, तो मैं इंडिया इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं आराम से फिल करने का, घबरा के फिल नहीं करने का। उसके बाद यहाँ पे बता रहे कौन सा लैंग्वेज में आप चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं अरबी से अच्छा है मेरे लिए इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिक नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट नेम,
ओके, एप्लीकेशन नेम किस जगह पे आपने एप्लीकेशन, आपका वीज़ा कहाँ के है आप लोग देख लेना, जहाँ का भी वीज़ा हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ओके कर देना है। सारे जगह का नाम आ गया यहाँ पर, आप देख सकते शारजाह, अजमान, रसल खेमा, अबू धाबी, दुबई, देख लेना आप जहाँ का। सब एप्लीकेशन में जाना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंट्री परमिट। ओके, एंट्री परमिट फॉर एंड रेसिडेंस, सर्विस टाइप्स में जाना है, एंट्री परमिट आपको चाहिए तो एंट्री परमिट पे कर देना है क्लिक। ओके, मतलब कि आपके पास तो वीज़ा है, बस आपको एंट्री परमिट चाहिए। ओके, तो एंट्री परमिट आ गया। सब सर्विस टाइप में जाना है और यहाँ पर भी जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको एंट्री परमिट इशूअर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ रहा है, एंट्री परमिट पर जाना है, कर देना है क्लिक। क्लास टिकट इन्फॉर्मेशन में जाना है, अभी तो आपके पास टिकट है नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेटिंग फॉर टिकट। ओके, वेटिंग फॉर टिकट ना लिखिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए वेटिंग फॉर आईसी अप्रूवल, क्योंकि आपको आईसी अप्रूवल के इंतज़ार में है जब आपको मिलेगा। यहाँ पे टाइप्स में जाना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते टाइप्स जाना है, टाइप्स में यहाँ पर कंप्लेंट पर सेलेक्ट कर लेना है और आपके जो ई मेल आई डी पे फर्स्ट ऑफ आपने जब अप्लाई किया तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर होगा, यहाँ रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है तो दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, नीचे डिटेल्स में आपको कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे डियर आई सी ए, डियर आई सी ए का मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको लेटर जिस तरह लिखते हैं ना वैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं मैंने लिख दिया डियर आई सी ए, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव मी आई सी ए ग्रीन सिग्नल अप्रूवल टू ट्रेवल इन यूएई, आई एम इन वेरी प्रॉब्लम, kindly help me whatever you want to write down here, you can write everything and you can select, आप पूरा अपना फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे से डायरेक्ट सेंड कर देंगे। सेंड कर देने के बाद आपको उम्मीद है कि आपका भी अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद आप आसानी से जा सकते हैं। अगर अभी भी अप्रूवल नहीं मिलता है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग रेड सिग्नल है उसके बाद भी जा रहे हैं, रिस्क कवर कर रहे हैं। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं बताया है कि अगर आपके पास रेड, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि एयर अरबिया फ्लाइट से लोग जा रहे हैं, शारजाह से होकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।